सुनो कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। और आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड चीकू यहाँ खेलने आ रही है और उसने बताया कि उसके पास मेरे लिए एक सरप्राइज है। आपको सरप्राइजेस पसंद है? मुझे तो है, तो मेरे साथ ही रहिए और जानिए कि वो सरप्राइज क्या है। आइए। चूचू, मैं आ गई। देखो मेरे पास क्या है। हाय बेस्ट फ्रेंड चूचू। हाय बेस्ट फ्रेंड चीकू, कहाँ है वो? वो कहाँ है? मेरा सरप्राइज कहाँ है? तुम्हारे सर पर। मुझे बहुत 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 पसंद आई। शुक्रिया चीकू। मुझे खुशी है तुम्हें ये पसंद आई। पहन कर देखो चूचू। वाह! सच, ये मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये तोहफा मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया है। एक बात बताऊं चीकू, मैं अपनी इस ब्रेसलेट का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और इसे कभी नहीं खोऊंगी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है चूचू। ब्रेसलेट को पहनना चाहता है, क्यों है ना बबल्स? देखो, बबल्स हमें बता रहा है कि वो ब्रेसलेट का अच्छे से ख्याल रखेगा। अच्छी बात है बबल्स। तो हम सब जा रहे हैं रसोई में नाश्ता करने। तुम ब्रेसलेट का ध्यान रखोगे ना? शुक्रिया बबल्स। और अगर तुम्हें भी हमारे साथ नाश्ता करना है तो तुम्हें याद रहेगा ना कि इसे हिफाजत से टेबल पर रखना है। शुक्रिया बबल्स। बबल्स, नाश्ता कर लो।
बबल्स, तुम्हें भूख लगी है? क्या हुआ? क्या तुम्हें बाहर घूमने जाना है? रुको बबल्स, शांत हो जाओ। बस भी करो बबल्स, मुझे ये गेम पसंद नहीं है। शांत हो जाओ बबल्स। देखो तुमने ये क्या कर दिया। बस अब बहुत हुआ बबल्स, जब तक तुम शांत नहीं होते हम तुमसे बात नहीं करेंगे। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। चलकर मेरे कमरे में ब्रेसलेट को फिर से ढूंढते हैं। हाँ? वो ब्रेसलेट यहाँ नहीं है। मैंने बबल्स को यहीं रखने को कहा था। उसे जरूर यहीं होना चाहिए। चलो मिलकर ढूंढते हैं। बबल्स ने जरूर उसे खो दिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आ जाओ, इस बारे में उससे बात करते हैं। बबल्स, आज तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मेरी नई ब्रेसलेट को खो दिया है। बबल्स ने आज से पहले कभी ऐसा अजीब बर्ताव नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये हमें कुछ बताना चाहता है? सही कहा, लगता है ये हमें पीछे आने को कह रहा है। तो ब्रेसलेट यहाँ पर पहुँच गई है। जरूर ये चिड़िया खिड़की से अंदर गई होगी और इसे उठा लाई होगी। और यही बात बेचारा बबल्स हमें तब से बताने की कोशिश कर रहा था और हम सब उस पर नाराज हो रहे थे। माफ कर दो बबल्स, सच में सॉरी। हाय बर्डी, तुम्हें चमकीली चीजें पसंद है ना? इसलिए हम तुम्हारे घोंसले के लिए ये लाए हैं। शुक्रिया बर्डी, इसे हमें वापस देने के लिए। और तुम्हारा भी शुक्रिया बबल्स, अगर तुम आज नहीं होते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि ब्रेसलेट कहाँ गया। तुम बहुत होशियार हो दोस्त। और हमारे हीरो भी। कमाल का है हमारा डॉगी, हमारा बबल्स भाव भाव। हमारी और चीजों की हिफाजत करता है भाव भाव। कमाल का है हमारा डॉगी, हमारा बबल्स भाव भाव। ये है प्यारा डॉगी और हमारा दोस्त भी भाव भाव। जूजू के पास एक प्यारा सा पपी था जिसका नाम बबल्स था। जूजू को बबल से बहुत प्यार था। जूजू उसे हर रोज बगीचे में घुमाने ले जाती। जूजू उसे साफ सुथरा रखा करती। हाँ,
चूचू अपने पापा को बबल्स को वेट के पास ले जाने को भी कहती। आज सोमवार है डैडी, हमें बबल्स को डॉक्टर के पास ले जाना है। बिल्कुल सही चूचू। वेट यानी जानवरों का डॉक्टर। वो ये ध्यान रखता है कि बबल्स हमेशा स्वस्थ रहे। वेट बबल्स के साथ बहुत अच्छे थे। वो उसे कुछ खास खाने की चीजें भी दिया करते थे। यहाँ आओ बबल्स, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बिस्किट हैं। शाबाश। बबल्स अब वेट से डरता नहीं था और उसे अब जांच करवाना अच्छा लगता था। बबल्स को अब इंजेक्शन लगवाने में भी डर नहीं लगता था। बहुत अच्छे बबल्स, शाबाश। वेट ने चूचू को बताया कि बबल्स को क्या खाना खिलाना है। चूचू, एक बात याद रखना, बबल्स को वही खाना देना जो पपीज के लिए हो, उसे वो मत खिलाना जो हम खाते हैं। बबल्स इंसानों का खाना खाकर बीमार पड़ सकता है। मैं याद रखूंगी। एक दिन चूचू का दोस्त कसली चूचू और उसके दोस्तों के साथ खेलने आया। हाय, सब कैसे हो? हाय कसली। चूचू की माँ मिसेस चार्ली ने बच्चों के लिए पिज्जा बनाया। पिज्जा में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बबल्स भी देखने आया कि बच्चे क्या खा रहे थे। कसली ने देखा कि बबल्स उन्हें देख रहा था और उसने उसे पिज्जा का एक बड़ा सा टुकड़ा दे दिया। हाय बबल्स, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें थोड़ा पिज्जा चाहिए? ये लो एक स्लाइस। चूचू ने देखा कि कसली बबल्स को कुछ खिला रहा था। हाँ? चूचू ने कसली को एकदम से रोका। कसली, प्लीज बबल्स को पिज्जा मत दो, ये पिज्जा हमारे लिए है। बबल्स तो पपीज के लिए बना खास खाना खाता है, अगर वो हमारा खाना खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। हाँ? कुछ समय बाद बबल्स ने खेलना बंद कर दिया। वो एक कोने में बैठकर रोने लगा। हाँ? चूचू ने जल्दी से मिसेस चार्ली को बुलाया। माँ, जल्दी आओ, बबल्स रो रहा है। अरे नहीं, बबल्स को अच्छा नहीं लग रहा होगा, चलो इसे वेट के पास लेकर चलते हैं। मिसेस चार्ली और चूचू उसे जल्दी से वेट के पास लेकर गए। बबल्स रो रहा है डॉक्टर, मुझे लग रहा है ये बीमार है क्योंकि इसने पिज्जा खा लिया। तुमने सही कहा चूचू, इंसानों का खाना खाने से इसके पेट में दर्द हो गया है। वेट ने बबल्स को कुछ दवाई दी। इसे खाकर तुम ठीक हो जाओगे बबल्स। फिर वेट ने चूचू को बताया कि क्या करना है। चूचू, तुम्हें ये दवाई बबल्स को रोज देनी होगी, पूरे एक हफ्ते तक। और ध्यान रखना कि ये सिर्फ पपीज वाला खाना खाए। मैं दे दूंगी, धन्यवाद। जब चूचू और मिसेस चार्ली घर आए तो कसली उनका इंतजार कर रहा था। वो बबल्स को लेकर बहुत परेशान था। चूचू, बबल्स ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे माफ करना, मैंने उसे पिज्जा खाने को दिया, मुझे नहीं पता था वो उससे बीमार हो जाएगा। मुझे माफ कर दो बबल्स। चूचू ने बबल्स का खूब ख्याल रखा और उसे दवाई भी दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेट ने देने को कही थी। जल्द ही बबल्स का पेट ठीक हो गया और वो अपनी पूंछ हिलाने लगा और खुशी खुशी भौंकने भी लगा। ओह बबल्स, अब तुम बेहतर लग रहे हो। हाँ चूचू, बबल्स अब ठीक है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे लाड प्यार से बबल्स ठीक हो गया। बबल्स को भी समझ आ गया कि चूचू उसे कितना प्यार करती है और इसलिए
बबल्स ने चूचू को प्यार से चाटा। वो उसका तरीका था चूचू को धन्यवाद कहने का। थोड़े दिनों बाद चूचू बीमार हो गई। अच्छू, अच्छू। चूचू को घर पर रहना पड़ता था। वो दोस्तों के साथ खेलने की कमी के कारण अकेला महसूस करती। बबल्स ने देखा चूचू कितना अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो एक बॉल ले आया और चूचू के साथ खेलने लगा। हाँ, तुम बॉल से खेलना चाहते हो बबल्स? ठीक है। चूचू और बबल्स ने उस शाम बहुत मजे किए और फिर चूचू को अपने दोस्तों की याद भी नहीं आई। तुम्हारे साथ खेलकर मैं बहुत खुश हूँ बबल्स, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो।